नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम व्यंजन के उच्चारण स्थान पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हमें घोषत के आधार पर वर्णों का विभाजन पढ़ना है। घोषत के आधार पर हमारे व्यंजन वर्णों को या वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक अघोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन ना हो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है, जैसे का खा चा छा ऐसे इत्यादि। अब ये सारे वर्ण अघोष कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त उस व्यंजन हमारे सा सा सा, ये तीनों भी अघोष कहलाते हैं। फिर नंबर टू पे है घोष, जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन्न हो उन्हें घोष व्यंजन कहलाते हैं। इनके वर्णों का विभाजन भी अलग अलग किया गया है, उसको देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होता है, जैसे गा घा अंगा जा झा इया प्लस स्वर, सारे स्वर भी हमारे क्या होते हैं, घोष होते हैं। फिर या रा ला वा हा भी घोष हैं। प्राणत्व के आधार पर फिर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक अल्पप्राण, अल्प मीस होता है कम, प्राण मीस वायु। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से हवा कम हवा निकले, मुख से कम हवा निकले अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होता है। इनको बोलने पर देखो का ग अंग, देखो कम हवा निकला, लेकिन अभी खा घा ऐसे बोलना हो तो अधिक वायु निकलती है, इसीलिए इसे अल्पप्राण और उसे महाप्राण कहते हैं। अब देखो अल्पप्राण है तो यहाँ पर 1 3 5 मतलब हम ज़्यादा मानेंगे इसे, तो अल्पप्राण की ट्रिक है 1 3 5। और फिर इसमें इसके अतिरिक्त इसमें सभी स्वर वर्ग अनुसार तथा अंतस्थ व्यंजन आते हैं। फिर नंबर टू पर है महाप्राण, महाप्राण मतलब महा मतलब अधिक, प्राण मिस वायु। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले महाप्राण व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है। इधर इसके अतिरिक्त इसमें विसर्ग तथा ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। अब उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक संयुक्त ध्वनि, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर के संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे प्राण घ्राण क्लांत क्लान प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में पाई जाती हैं। नंबर दो पर आता है संपृक्त ध्वनि, एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है तब यह संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे कंबल का और बा के साथ मा ध्वनि संयुक्त रूप से जुड़ी है। फिर कहलाता है युग्मक ध्वनि, जब एक ही ध्वनि द्युत हो जाए, द्युत मतलब जिसे द्युत व्यंजन भी कहते हैं, तब यह युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे अक्षुण उत्फल दिक्कत प्रसन्नता आदि। इसमें दिल्ली ये सब क्या है, ये सब युग्मक ध्वनियाँ हैं। बहुत परीक्षाओं में इससे युग्मक ध्वनियों से कई बार पूछा गया है कि अक्षुण उत्फुल या ये सारी चीज़ें कैसी ध्वनियाँ हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बाद में जो चीज़ें होती हैं वो लिखित रूप ही वाली ही काम आती हैं, मौखिक हम लोग जब रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, हम प्लेलिस्ट डाल देंगे और प्लेलिस्ट के अनुसार आप एक एक वीडियोज को अच्छे से देख करके रिवीजन कर करके और नोट्स बनाते रहिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आप लोगों को साइंस की भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जीके की हमारे विकास सर चला रहे हैं और हिंदी तो हम पढ़ाते ही हैं। फिर देखो दिवाली के बाद आप लोगों को रीजनिंग की भी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।